Hello everyone, welcome to this amazing platform Intense Focus Academy. So today we will learn about pancreas. It is an accessory organ in the digestive system. Digestive system में एक accessory organ में काम करता है और वो कहाँ मदद करता है? Digestive function में मदद करता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं आज pancreas. तो pancreas ऐसा कुछ दिखता है. ये है pancreas, ये stomach हो गया, इधर liver हो गया, ये है pancreas. अब pancreas में आपको देखने को मिलेगा एक body है इसके अंदर जो broad है. ये क्या है? Body है. और एक नहीं, sorry, बॉडी नहीं है, ये हेड है, आगे वाला हेड है और एक बॉडी होता है और पीछे वाला टेल होता है. जो टेल होता है वो कहाँ तक जाता है? स्प्लीन तक जाता है. ठीक है, जो ब्रॉड पार्ट है उसको बोलते हैं हेड और एक बॉडी कंसिस्ट क्यों है और पीछे एक पूछ बोलते हैं टेल कंसिस्ट क्यों है. तो अब इसके अंदर आप देखिएगा तो इधर से क्या हो रहा है, इधर से लेफ्ट राइट हिपैटिक डक्ट आ रहा है, राइट हिपैटिक डक्ट, इधर से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन हिपैटिक डक्ट. ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है एक पाउच सा जैसा, ये है जीवी गॉल ब्लैडर. ठीक है, गॉल ब्लैडर अपना वो क्या करता है? स्टोरेज ऑफ बाइल. तो ये स्टोरेज ऑफ बाइल थ्रू, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट. ठीक है, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं जिसके थ्रू गॉल ब्लैडर बाइल का सिक्रेशन कराता है, सिस्टिक डक्ट. और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक हिपैटिक डक्ट मिलकर क्या बना लेगा? कॉमन सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बना लेगा और इधर से अपना ये सिक्रीशन इधर लाएगा, इधर लाएगा. फिर ये दोनों, ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट और ये हो गया मेन पैनक्रियाटिक डक्ट. एक होता है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, एक होता है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, ये क्या है? ये जो है ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ बिरसंग बोलते हैं. और ये कितना सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके ये अपना जो ओपनिंग है वो कहाँ खोलता है? डियोडेनम में. डियोडेनम के किस पार्ट में? डियोडेनम का चार पार्ट होता है, उसमें सेकंड पार्ट में ये खुलता है. और कौन किस इस ओपनिंग जो खुल रहा है इसको क्या बोलेंगे? एम्पुला ऑफ बैटर, एम्पुला ऑफ बैटर बोलते हैं. ठीक है, जो ओपनिंग कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट हो रहा है, डियोडेनम में जो ओपनिंग खुल रहा है उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ बैटर. और ये एम्पुला ऑफ बैटर है, इसके सराउंड में मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो कि उसको क्या बोलते हैं? स्पिनसिंटर ऑफ ऑडाई. ठीक है, स्पिनसिंटर ऑफ ऑडाई, स्पिनसिंटर ऑफ ऑडी बोलते हैं, स्पिनक्टर ऑफ ऑडी. ठीक है, एओडी क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. एम्पुला ऑफ बैटर के चारों ओर एक स्मूथ मसल्स का प्रेजेंट होता है जो कि वो बाइल और पैनक्रियाटिक का सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, तो इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. अब देखिए एक होता है क्या है, इसके साथ ना कभी कभी आपको देखने को मिले एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होता है. एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट बना देते हैं स्लैश स्लैश से. तो ये एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट को क्या बोलते हैं? एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट. एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होता है और ये कितना होता है? 6 सेंटीमीटर का. और इसको क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सैंटोरिनी भी बोलते हैं कभी, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी. ठीक है, इतना क्लियर है. मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ बिरसंग 10 सेंटीमीटर, एक इसी के साथ एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होता है 6 सेंटीमीटर, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी भी बोलते हैं. अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक मेन डक्ट निकल रहा है, मेन एसेसरी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल रहा है, एक डक्ट निकल रहा है और ऊपर जाकर ये कुछ लोब जैसा बना रहा है, जहां भी लोब बना रहा है उसको बोलते हैं एसिनस. तो ये क्या हो गया? ये हो गया एसिनर. ये जो हरा हरा है वो बोलते हैं एसिनर सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, एसिनर सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, एसिनर सेल है. ठीक है, तो एसिनर सेल ऑफ पैनक्रियाज है, ये क्या बनाता है? एग्जोक्राइन पार्ट बनाता है. ये एग्जोक्राइन पार्ट बनाता है और ये एग्जोक्राइन ग्लैंड है, एग्जोक्राइन पार्ट. ठीक है, और ये आपको बीच में काला काला दिख रहा है, मतलब ये जो राउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर है ये है क्या? एंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, इतना क्लियर है. और आप तो जानते हैं पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, जो कि एक एग्जोक्राइन ग्लैंड भी कंटेन करता है और इंडोक्राइन ग्लैंड कंटेन करता है, इसलिए बोलते हैं इट इज नो मिक्स्ड ग्लैंड. ठीक है,
अब जो इग्जोक्राइन है वो क्या करता है कि पेनक्रेटिक इंजाइम मतलब डाइजेस्टिव इंजाइम का सिक्रेशन कराता है या पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन कराता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोनल रिलीज कराता है, हार्मोन्स रिलीज कराता है। तो ये है इंडोक्राइन, ये है देखिए अब आ जाइए इसे कि मेन पेनक्रेटिक डक्ट एक निकला, ये डक्ट इसको बोलते हैं मेन डक्ट, मेन पेनक्रेटिक डक्ट से जो डक्ट निकल रहा है उसको बोलते हैं मेन डक्ट, ठीक है। फिर इससे अलग हुआ तो इसको बोलते हैं इंटर लोअर डक्ट, ठीक है इंटर लोअर डक्ट। फिर आगे जाके इसका डिवीजन हो रहा है और फिर इसका ड्रेनेज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे इंटर लोब्यूलर डक्ट, इंटर लोब्यूलर डक्ट, ठीक है। और यही आगे जाके इंटर लोअर डक्ट इंटर ये हो जाता है इंटरकैलेटेड डक्ट, ठीक है इंटरकैलेटेड डक्ट। और ये क्या हो गया एसिनार हो गया ये एसिनार, ठीक है। अब अंदर जाता है एसिनार में आप देखिएगा कि इसके अंदर आपको पिरामिडल शेप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं, पिरामिडल शेप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। और पिरामिडल शेप के सेल है इसको क्या ये किससे लाइनिंग है सिंपल क्वाइडल का लाइनिंग है, सिंपल क्वाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये जो सेल्स है ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन कर रहे हैं। और ये जो है इंटरकैलेटेड डिस्क ये बनाता है सेंटर एसिनार सेल्स, इट इज पार्ट ऑफ इंटरकैलेटेड डक्ट, ये है कि इंटरकैलेटेड डक्ट का ही पार्ट है सेंटर एसिनार सेल्स। और इसका सेल्स का काम क्या है कि ये ना बाइकार्बोनेट रिलीज कराता है, बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है। अब बाइकार्बोनेट किस लिए जरूरी है, बाइकार्बोनेट इसलिए जरूरी है कि जो काइम स्टमक से ड्यूडेनम में आ रहा है उसका जो इन्वायरमेंट है वो पूरा एसिडिक है, और जब बाइकार्बोनेट अपना रिलीज कराता है वो क्या करता है न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन करता है, एसिड और बेस मिलता है न्यूट्रलाइज हो जाता है। यदि नहीं न्यूट्रलाइज होगा तो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा सेल्स है उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है एसिनार सेल्स में पिरामिडल शेप सेल्स पाए जाते हैं वो क्या किससे एपिथेलियम सिंपल क्वाइडल एपिथेलियम में, और ये रिलीज करवाते हैं क्या पेनक्रेटिक जूस, ठीक है। सेंटर एसिनार सेल्स इज पार्ट ऑफ इंटरकैलेटेड डक्ट विच सिक्रीट्स बाइकार्बोनेट, ठीक है CO3-। और इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा कुछ दिखता है, ये क्या हो गया ये है चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ये एसिनार ही है एसिनी, ठीक है एसिनी ऑफ पेनक्रियाज। और इसके चारों तरफ क्या दिखेगा आपको यह है क्या हरा वाला डेल्टा सेल्स क्या सिक्रेट कराता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और बीटा सेल्स क्या कराता है इंसुलिन, बीटा सेल्स ठीक है बीटा सेल्स क्या कराएगा इंसुलिन, और यह क्या करेगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेगा। और बीटा अल्फा सेल्स क्या करेगा ग्लूकागोन सिक्रेट कराएगा, इंसुलिन और ग्लूकागन क्या करेगा रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड में ग्लूकोज है ज्यादा हो जाए या बढ़ जाएगा वही रेगुलेट कराता है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन। अब कुछ हम लोग इतना सब देख लिए तो कुछ हम लोग लिख लेते हैं पेनक्रियाज के बारे में, पेनक्रियाज क्या है कुछ समझ गए। पेनक्रियाज में दो चीज पाया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ एसिनार सेल्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज इंडिविजुअली पेटेंट, ठीक है। तो कुछ पेनक्रियाज के बारे में लिख लेते हैं, ये क्या होता है ए क्रीमी, इसका कलर कैसा होता है ए क्रीमी पिंक ग्लैंड, छोड़िए ऐसे लिखिए कलर क्रीमी पिंक, ठीक है। आगे इसका बेड देखते हैं, बेड कितना है 50 से 70 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है एवरेज बोलिएगा तो 60 ग्राम। और इसका जो लेंथ है वो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, या 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कहाँ लोकेटेड होता है लोकेटेड इन इपी गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। कहाँ जिसे लोकेटेड है इधर लीवर तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में है, स्टोमक के पीछे होता है पेनक्रियाज लोकेटेड, तो कहाँ होगा स्टोमक में, स्टोमक कहाँ प्रेजेंट था लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, तो सही पेनक्रियाज भी इपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है आपको बताएं कि इट इज एन इलोंगेटेड ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड हेड, ये आगे वाला जो पार्ट है इसका जो हेड है वो कहाँ लाई कर रहा है सी शेप के डियोडेनम में, डियोडेनम के पेनक्रियाज का जो हेड है वो कहाँ लाई करता है सी शेप ऑफ डियोडेनम, और एक बॉडी कंसिस्ट की है और एक टेल कंसिस्ट की है, ठीक है। तो लिख सकते हैं एन इलोंगेटेड ऑर्गन
An elongated organ consists of a broad head, मतलब एक चौड़ा हेड है जो कि कहाँ लाई कर रहा है, which lie in C-shape duodenum, ठीक है। और क्या कंटेन किए हुए, हेड तो क्या कंटेन है, और ए ब्रॉड हेड और एक ए बॉडी एंड अ टेल, टेल और जो टेल है जहां कहां रीच करता है, स्प्लीन तक रीच करता है, ठीक है। और ये क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। और क्यों मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि एक जो क्राइन पार्ट भी कंसिस्ट करता है एंड एंडोक्राइन पार्ट भी कंसिस्ट करता है, तो ए मिक्स्ड ग्लैंड, थोड़ा राइटिंग दिक्कत है तो सुन लीजिए, ए मिक्स्ड ग्लैंड because it have both exocrine and endocrine gland, ठीक है। अब इतना बात हो रहा है एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन क्या है। एक्जो मतलब बाहर होता है, क्या होता है एक्जोक्राइन ग्लैंड जो होता हुआ अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू पोर करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्जोक्राइन। और इंडोक्राइन को कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती, इंडोक्राइन डायरेक्टली पोर दियर सिक्रीशन थ्रू इन द ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रीशन पोर करता है, इसलिए बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम आपको बताया एक्जोक्राइन पार्ट है, ये एसिनार सेल्स है, एसिनार मेन डक्ट होगा, इंटरलोबर डक्ट, इंटरलोब्यूलर, फिर इंटरकैलेटेड डक्ट, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए ना, इधर से देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, राइट डक्ट एंड लेफ्ट, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब मिलके बनाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट, थ्रू सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर पोर दियर सिक्रीशन इनटू द कॉमन बाइल डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट एंड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट एंड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ बैटर, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ बैटर बोलते हैं, ठीक है। और ये एम्पुला ऑफ बैटर सराउंडेड होता है सर्कुलर कुछ स्मूथ मसल से इन ए सर्कुलर मैनर में स्मूथ मसल से सराउंडेड होता है, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। अब स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और ये क्या होता है, जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कंसिस्ट है और टेनी, बहुत सारा मेन डक्ट होता है कंसिस्ट किया, और जो क्या बनाता है एसिनार सेल्स, और फिर इंडिविजुअल पाया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें बोलेगा डेल्टा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और एसिनार सेल्स पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कराता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आपको एम्पुला ऑफ बैटर बता दिया है, ये एक डियोडेना में ओपनिंग होता है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट इसमें ओपन होता है, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या है, ये एक स्मूथ मसल्स है जो सर्कुलर मैनर में एम्पुला ऑफ बैटर के अराउंड अरेंज्ड रहते हैं, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, बोला स्मूथ मसल फाइबर विच प्रेजेंट इन एम्पुला ऑफ बैटर, क्लियर है। इसको याद रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है वाल्व ऑफ वाइडन किसको कहते हैं, वाल्व ऑफ वाइडन जो बताया कॉमन हेपेटिक डक्ट जो राइट से राइट और लेफ्ट से मिलकर बन रहा था और इधर से सिस्टिक डक्ट आ रहा था, सिस्टिक डक्ट फिर ये क्या हो गया, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया, और कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बना रहा है, कॉमन वाइल डक्ट, ठीक है। ये कॉमन वाइल डक्ट किससे प्रति होता है, एक वाल्व यहां पर प्रेजेंट होता है, इस वाल्व को ही वाल्व ऑफ वाइडन कहते हैं। तो वाल्व ऑफ वाइडन कहां प्रेजेंट होगा, वाल्व ऑफ वाइडन प्रेजेंट इन कॉमन वाइल डक्ट, क्लियर है। अब एक होता है वाल्व ऑफ गर्लक, वाल्व ऑफ गर्लक यहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एम्पुला ऑफ बैटर में, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट हो रहा था ओपन, मेन पैनक्रियाटिक एंड कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, तो वही ओपन हो रहा था, यही वहां प्रेजेंट होता है वाल्व ऑफ गर्लक, जो कि क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है बाइल के फ्लो को और पैनक्रियाटिक जूस के फ्लो को रेगुलेट करता है वाल्व ऑफ गर्लक, याद करना है। वाल्व ऑफ गर्लक कहां प्रेजेंट है, एम्पुला ऑफ बैटर एंड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहां प्रेजेंट है, स्मूथ मसल फाइबर जो कि एम्पुला ऑफ बैटर में प्रेजेंट है, एंड वाल्व ऑफ वाइडन कहां है, प्रेजेंट इन कॉमन बाइल डक्ट, इतना क्लियर है। तो आ जाइए पैनक्रियाटिक जूस, एक तो बताया है कि पैनक्रियाज एक्जोक्राइन पार्ट होता है एंडोक्राइन पार्ट, एक्जोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड एंडोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स हार्मोनल हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमाटोस्टैटिन। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या है, जूस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, इसका अमाउंट कितना होता है 1200 टू 1500 ml, ठीक है। इसका जो पीएच होता है ये अल्कलाइन होता है, इसका अल्कलाइन कितना होगा 7.1 से लेके 8.2 रेंज है, ठीक है। अब देखिए पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉलिड्स, वाटर इज 99.5% एंड सॉलिड्स इज 0.5%, ठीक है। सॉलिड्स क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा एंजाइम्स और अदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन है एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन, इतना क्लियर है। एंजाइम्स को आपको मेन याद रखना है, एंजाइम्स आपको याद ही रखना है,
तो एंजाइम्स में तीन तरह के, एक तो प्रोटीन तोड़ने वाले प्रोटियोलिटिक एंजाइम, एक फैट को तोड़ने वाले लाइपोलाइटिक एंजाइम, एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले होते हैं अमाइलोलाइटिक एंजाइम उसको बोलते हैं। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम में क्या होगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडोजेज, न्यूक्लियेज, इलास्टेज एंड कोलेजिनेज। ठीक है, याद हो जाएगा इतना, ट्रिप्सिन काइमो, कुछ नहीं याद होगा तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज तो याद होना ही चाहिए। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ट्रिप्सिनोजन में रहता है, काइमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में रहता है पैनक्रियाज में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज फॉर्म में रहता है। ठीक है, लाइपोलाइटिक एंजाइम में कौन सा होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल इस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी, कॉलीपेज एंड बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। ठीक है, इतना क्लियर है। कॉलीपेज एक एंजाइम नहीं है, कोएंजाइम है। कोएंजाइम किसका काम करता है, प्रोटियोलिटिक लाइपेज को एक्टिवेट करने में काम करता है, उसको फास्ट करने में काम करता है। ठीक है, अमाइलोलाइटिक एंजाइम क्या होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, तो इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोले हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो आप लोगों को पता ही है, कुछ आयंस पाए जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, कुछ नहीं याद रहा है तो सोडियम पोटेशियम याद रहना चाहिए, बाइकार्बोनेट याद रहना चाहिए, एक क्लोराइड होना चाहिए। ठीक, इतना याद रह जाएगा, इतना क्लियर है। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम से पहले एक चीज करते हैं कि बाइकार्बोनेट जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें बाइकार्बोनेट कंटेंट का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो बाइकार्बोनेट कंटेंट इज वेरी हाई इन जूस, लगभग 110 से 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यदि हम इसका प्लाज्मा में बात करें, तो 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। ठीक है, तो ये हाई कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, क्यों कंटेंट ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जूस है जो जूस को हाईली अल्कलाइन बना देता है, जूस को हाईली अल्कलाइन बना देता है, जिसके कारण जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा उसको डैमेज नहीं प्रोवाइड होगा, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इट इज एन प्रोटेक्टिव एक्शन। ठीक है, क्यों एसिड होया, क्योंकि जो स्टमक से काइम आ रहा है वो एसिडिक था, स्टमक में कितना पीएच था, 2 से 3, सोच रहे हो हाईली एसिडिक, तो ये हाईली एसिडिक क्या करेगा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा उसको क्रोज कर देगा, क्रोजिव कर देगा, डैमेज प्रोवाइड करेगा, तो उसी डैमेज को ये प्रिवेंट करता है ये जूस हाईली अल्कलाइन बनकर बाइकार्बोनेट उसमें सिक्रीशन करा के। ठीक है, अगला जो है, दूसरा जो है, प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पीएच 7 to 9 फॉर एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज का जो एंजाइम है उसको एक्टिव होने के लिए एक पीएच चाहिए, एक प्रॉपर पीएच चाहिए जो कि अल्कलाइन होना चाहिए, जैसे कि 7 से 9, जो यही है बाइकार्बोनेट सिक्रीशन प्रोवाइड कराता है। इतना क्लियर है। आगे हम लोग कुछ मेन एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, जो एंजाइम्स पाए जाते हैं पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक जूस में। तो पैनक्रियाटिक जूस, चलो ठीक है, आगे फंक्शन देखते हैं। इसका दो फंक्शन है, डाइजेस्टिव फंक्शन एंड न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन। एक तो डाइजेशन करना जो फूड लिए हैं उसका, और एब्जॉर्प्शन कराना उसका। ठीक है, और न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन ये हो गया, यही न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन है कि बाइकार्बोनेट सिक्रीशन ज़्यादा है, हाई है, इसीलिए वो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स को डैमेज होने से फ्रॉम एसिड काइम, जो काइम एसिड है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव फंक्शन देखते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन जो होता है मेनली पैनक्रियाज से प्रोटीन और लिपिड का होता है, क्योंकि एंजाइम ज़्यादा पाए जा रहे हैं प्रोटीन और लिपिड्स के, आपको बताए थे। और कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एक एंजाइम था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इसलिए माइल्ड डाइजेशन एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट से उस पर एक माइल्ड डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स देखते हैं, पहला कौन सा था, ट्रिप्सिन। ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, मॉलिकुलर वेट 25,000 है, ये 229 अमीनो एसिड 229 अमीनो एसिड कंटेन कर किए हुए रहता है। और ये कैसे सीक्रेट होता है, ये इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है। ये बदलता है एक्टिव ट्रिप्सिन में किसके हेल्प से, इंटेरोकाइनेज। इसको क्या और भी क्या बोलते हैं, एंडोपेप्टिडेज बोलते हैं। ठीक है, एंटेरोकाइनोज कहाँ मिलता है, डियोडेना में मिलता है, म्यूकोसा के सेल्स में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स में एंटेरोकाइनेज मिलता है, जो कि इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन सिक्रीट कहाँ से हुआ है, पैनक्रियाटिक जूस में, और ये बदल देता है एक्टिव ट्रिप्सिन में। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन है यह एक ऑटोकैटालिटिक या ऑटोएक्टिव एक्शन है, मतलब ये खुद से फिर ट्रिप्सिनोजन को बदलने लगता है ट्रिप्सिन में। ठीक है, खुद से बदलने लगता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, इसलिए बोला इट एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन। अब आ जाइए ट्रिप्सिन इनहिबिटर, यदि जो ट्रिप्सिन है वो पैनक्रियाज में एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, जो प्रोटीन पैनक्रियाज का टिश्यू है और पैनक्रियाज के जो टिश्यू है उसमें प्रोटीन पाए जा रहे हैं उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, मतलब तोड़ देगा, और क्या करेगा, पैनक्रियाटिक डैमेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे एक लाइन लिखा है, बट्स इट एक्टिवेशन इन सिक्रेटरी सेल्स, पर ये एक्स्ट्रा एक्टिवेशन सिक्रेटरी सेल्स में हो जाए, मतलब सिक्रेटरी सेल्स जो है एसिनाई में प्रेजेंट है वो सेल्स में बोल रहा है, एसिनाई एंड डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के डक्ट्स में इसका एक्टिवेशन हो जाए, तो ये प्रिवेंट किसके द्वारा होता है, एक इनहिबिटर प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ठीक है,
कभी गलती से ये सेक्रेटरी सेल्स या ऐसे नहीं या पेनक्रियाज के डक्ट में एक्टिवेट हो जाए तो ये प्रिवेंट किससे होता है, कि इनहिबिटर प्रोटीन जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका एक्शन, ट्रिप्सिन की एक्शन अब हम लोग देखेंगे। पहला इसका काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का ये डाइजेशन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है फर्दर। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये एक तरह का एंडोपेप्टिडेज है, एंडोपेप्टिडेज, ठीक है। एंडोपेप्टिडेज मतलब समझ रहे होगे नाम है, इंडो मतलब अंदर, तो ये क्या करेगा, ब्रेक ब्रेक इंटीरियर बॉन्ड ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के अंदर है उसको तोड़ेगा, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, इसलिए बोले एंडोपेप्टिडेज। याद रखना है ट्रिप्सिन इज एन एंडोपेप्टिडेज, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कंपटीशन में, ठीक है। तो प्रोटीन है, प्रोटीन्स है, इस ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में किस में टूटेगा प्रोटीन, प्रोटियोजोज या पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन किस में टूट जाएगा, प्रोटियोजोज या पॉलीपेप्टाइड्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। दूसरा काम क्या है, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, जो मिल्क लेता है उसको कर्डलिंग, उसको दही के फॉर्म में बना देता है। कैसे बनाता है, मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाता है कैसिनोजेन, ठीक है, वो बदल जाता है कैसीन में, ठीक है, इतना याद रखना है। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट्स ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बदलता है तो इसका इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन ये एक्सेलरेट कर देता है, फास्टर कर देता है प्रोसेस को, ठीक है, जिससे कि ब्लड क्लॉट जल्दी हो जाए। एक्टिवेट्स अदर एंजाइम ऑफ पैनक्रेटिक जूस, जो पैनक्रेटिक जूस में अदर एंजाइम्स है उनको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। याद रखिए काइमोट्रिप्सिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स टू काइमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो इलास्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स टू इलास्टेज, एंड प्रो कॉलीपेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स टू कॉलीपेज, ठीक है। पांचवा फंक्शन जो ये आल्सो एक्टिवेट्स कोलेजिनेज को भी एक्टिवेट करता है, फॉस्फोलाइपेज ए एंड फॉस्फोलाइपेज बी को भी एक्टिवेट करता है। ये एक ऑटोलिटिक एक्शन, पिछला मैं बताया कि इंटेरोकाइनेज का जरूरत पड़ता है ट्रिप्सिनोजेन में ट्रिप्सिन बदलने के लिए, फिर क्या करता है ट्रिप्सिन ऑटोलिटिक एक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके ऑटोलिटिक एक्शन प्रोवाइड करता है जिसके कारण कियो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, या और क्या करता है ऑटोकैटालिटिक, जो कि ट्रिप्सिन को खुद से बनाने लगता है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ऑटोलिटिक एक्शन मतलब कि खुद से डिस्ट्रॉय होने का भी एक्शन शो करता है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन दूसरा हम लोग का एंजाइम है, ये भी इट इज एन आल्सो ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। ये एक पॉलीपेप्टाइड है, इसका जो मॉलिकुलर वेट है 25,700 है, और ये कितने अमीनो एसिड कंटेन किए हुए रहता है, 246 अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन कितने किए हुए था, 229 अमीनो एसिड, ठीक है। सिक्रेटेड है इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिन, पेनक्रियाज से जो ये निकलता है वह इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, और ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में देखने को मिलता है, तो ये किसमें बदल जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजेन बदल जाएगा काइमोट्रिप्सिन, एक्टिव काइमोट्रिप्सिन। इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन वही है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इट इज एन आल्सो ए टाइप ऑफ एंडोपेप्टिडेज, एंडोपेप्टिडेज मतलब कि ये भी पॉलीपेप्टाइड में जो चैन है उसके अंदर, प्रोटीन में जो चैन है वो इंटीरियर बॉन्ड को तोड़ेगा उसमें भी, ठीक है। तो यही प्रोटीन से क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स में। दूसरा काम क्या है, डाइजेशन ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ मिल्क इसका भी काम है, इतना याद रखना है कि काइमो जो ट्रिप्सिन है उसका फास्टर होता है रेट ट्रिप्सिन से, जो मैं मिल्क को डाइजेस्ट करने का जो रेट होता है वह काइमोट्रिप्सिन का ज़्यादा होता है ट्रिप्सिन से, ठीक है। तीसरा क्या है, कार्बोक्सीपेप्टिडेजेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेजेज इट इज प्रेजेंट इन द, इट इज सिक्रेटेड इन फॉर्म ऑफ इनएक्टिवेटेड प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इसका दो सब टाइप होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी, तो ये फर्दर किसमें बदल जाएगा, दो सब टाइप होगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी, ठीक है, दो तरह का होता है। एक्शन इक्सोपेप्टिडेज, इक्सोपेप्टिडेज का मतलब क्या होगा, ब्रेक द टर्मिनल बॉन्ड, जो साइड में टर्मिनल बॉन्ड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के जो साइड में उसको तोड़ेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रोटीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज ए, यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज ए के प्रेजेंस में जो प्रोटीन है वो टूटेगा अमीनो एसिड में विथ एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जिसमें सल्फर हो, ठीक है, चैन में अमीनो एसिड के रिंग में सल्फर, एरोमेटिक और एलिफेटिक साइड चैन, सो वो टूटेगा प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज ए, और प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलाइपेज बी, प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज ए इट कन्वर्ट्स टू अमीनो एसिड विथ बेसिक साइड चैन्स, कुछ बेसिक साइड चैन से लेके अमीनो साइड जो कंटेन हुए रहेगा बेसिक साइड्स उसमें टूट जाएगा, ठीक है, इतना है।
ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। आपको इसमें क्वेश्चन दे सकता है कि कौन एंडोपेप्टिडेज है, तो याद रखना है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इज द एंडोपेप्टिडेज। एंड क्वेश्चन में आ जाए एक्सोपेप्टिडेज कौन है पैनक्रियाटिक जूस में जो प्रोटीन तोड़ता है, वो आपको आंसर देना है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, इतना क्लियर है तो हम लोग आगे एंजाइम देखेंगे। प्रोटीलिटिक एंजाइम है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस नाम से ही पता चल रहा है किसको तोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड्स को। तो राइबोन्यूक्लिएज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज होता है आरएनए एंड डीएनए। ये क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होता है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करता है काम। न्यूक्लिएज का काम क्या है, एक्शन इट इज डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड का क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए एंड डीएनए। आरएनए एंड डीएनए इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएज इट कन्वर्ट्स टू मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इतना याद रखना है अभी के लिए, आरएनए एंड डीएनए इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएज इट कन्वर्ट्स टू मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अगला जो हम लोग का एंजाइम है इलास्टेज, नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक फाइबर तोड़ेगा। ये इनएक्टिव सीक्रेट कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रो इलास्टेज। प्रो इलास्टेज में इनएक्टिव होता है और ये एक्टिव इलास्टेज में बदल जाता है किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में। ठीक है, और ये काम का क्या करता है, इलास्टेज डाइजेस्ट द इलास्टिक फाइबर, या इलास्टिक फाइबर को डाइजेस्ट करता है। लास्ट वन इज द कोलेजिनेज, नाम से ही पता चल रहा है कोलेजन फाइबर को तोड़ेगा। ये सीक्रेटेड एज इनएक्टिव प्रो कोलेजिनेज। ठीक है, इसको भी कौन एक्टिवेट कर रहा था, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के फॉर्म में किसमें बदल जाएगा, कोलेजिनेज, प्रो कोलेजिनेज से क्लोजिनेज। और ये क्या करेगा, कोलेजन को डाइजेस्ट करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट करेगा। इतना हो गया प्रोटियोलिटिक एंजाइम का बात। आगे हम लोग बात करते हैं किसका, लाइपोलिटिक एंजाइम, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कैसे होता है। तो सबसे पहला जो मेन और आपको याद रखने वाला चीज है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज इज द पावरफुल लाइपोलिटिक एंजाइम, ये एक बहुत शक्तिशाली एंजाइम है, लाइपोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स को करता है। ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, फैटी फूड्स में, जो आप लोग फैटी मील लिए कभी उसमें होता है, बटर में होता है, इसमें घी ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है। किसमें बदल देता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स, FAS मतलब फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में बदल देता है। ठीक है, इसका जो वर्क करने के लिए जो पीएच चाहिए वो 7 से 9 चाहिए, मतलब अल्कलाइन चाहिए। ठीक है, जो फैट होता है, फैट का डाइजेशन होता है, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट्स होगा तो बाइल साल्ट्स क्या करता है, उसका मेन काम है क्या, फैट को इमल्सिफाई कर देना, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में तोड़ देना, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और इसका काम कौन काम करता है, बाइल साल्ट्स, डाइजेशन के पहले फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाना चाहिए, इस पर ही फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कोलीपेज, बोले थे कोलीपेज एक एंजाइम नहीं, एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम है, अब कोएंजाइम नेसेसरी फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज के लिए बहुत जरूरी एंजाइम है कोएंजाइम, कोएंजाइम नहीं रहेगा तो अपना वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक कंडीशन होता है क्या, एस्टिटोरिया। एस्टिटोरिया मतलब क्या होता है कि इस डिफिशियंसी, इस एंजाइम का डिफिशियंसी हो जाने के कारण फैट का अच्छा से डाइजेशन होता नहीं है, तो फीसेज में आपको अनडाइजेस्टेड फैट देखने को मिलते हैं, तो इसको नाम देते हैं एस्टिटोरिया। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम लीड्स टू एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट इन फीसेज। ठीक है, इतना क्लियर, हम लोग लाइपोलाइटिक एंजाइम के आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पहला तो पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज इट कन्वर्ट्स फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवा के जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है उसको बदल देता है फ्री कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड में। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी को तोड़ के निकाल देना। ठीक है, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, इतना हो गया। दूसरा है फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज क्या है, एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। कैसे रहता है, प्रोफॉस्फोलाइपेज रहता है, वो ट्रिप्सिन इन द फॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स टू फॉस्फोलाइपेज। और ये क्या करता है, ये फॉस्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। फॉस्फोलिपिड्स कौन हो गए हमारे, मेन लेसिथिन एंड सिफेलिन, लेसिथिन एंड सिफेलिन मेन फॉस्फोलिपिड है, और इसको ये बदल देता है फॉस्फोलाइपेज आइसोलेसिथिन एंड आइसोसिफेलिन में। ठीक है, और ये आइसोलेसिथिन एंड आइसोसिफेलिन क्या है, लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स होता है, लाइसोफॉस्फोलिपिड्स होता है। ठीक है, तो यही फॉस्फोलाइपेज है, डाइजेस्ट फॉस्फोलिपिड्स। फिर फॉस्फोलाइपेज बी है एक सब टाइप। ठीक है, ये भी ट्रिप्सिन के, ट्रिप्सिन से एक्टिवेट होता था, प्रो फॉस्फोलाइपेज बी इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन कन्वर्टेड टू फॉस्फोलाइपेज बी। ये किसको कन्वर्ट करेगा, ये लाइसोफॉस्फोलिपिड्स को कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोरिल कोलीन एंड फ्री फैटी एसिड्स में। ठीक है, यहाँ बन गया था फॉस्फोलाइपेज से, ए से लाइसोफॉस्फोलिपिड, फर्दर फॉस्फोलाइपेज भी क्या करेगा, जो लाइसोफॉस्फोलिपिड्स बना उसको बना देगा फॉस्फोरिल कोलीन एंड फ्री फैटी एसिड्स में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो
पांचवा है जो लाइफ ऑडिटिंग एंजॉय में आ रहा है, कॉली पेज। कॉली पेज क्या होता है? इनएक्टिव प्रूफ कॉली पेज के फॉर्म में सीक्रेट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स इनटू कॉली पेज। और कॉली पेज क्या करता है, पीछे आपको डिस्कस कर चुके हैं कि फैसिलिटेट्स डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज है, उसका डाइजेस्टिव एक्शन को फैसिलिटेट करता है फैट के ऊपर, ठीक है। लास्ट वन लाइपोलिटिक एंजाइम जो है बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज होता है, ये क्या है, ये भी एक लाइपोलिटिक एंजाइम है, एक्टिवेट्स बाय किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, बाइल साल्ट्स के द्वारा एक्टिवेट होता है, ठीक है। बाइल साल्ट्स बिलिरुबिन बिलिरुबिन, ठीक है। आल्सो क्वाड, इसको और भी क्या नाम देते हैं, इसको और कहते हैं कार्बोक्सिल इस्टर लाइपेज या कोलेस्ट्रॉल इस्टरेज, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, हाइड्रोलिजिस अ वैरायटी ऑफ, ये याद रखना आपको, हाइड्रोलिजिस अ वैरायटी ऑफ लिपिड्स, मतलब एक दो लिपिड पे नहीं काम करता है, वैरायटी ऑफ लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल इस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स पर भी ये काम करता है, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ ट्राइग्लिसराइड पे काम करेगा, वैरायटी ऑफ लिपिड जैसे फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल इस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स पर भी काम करता है। इतना हो गया लाइपोलिटिक एंजाइम का कहानी। आगे है लास्ट जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है, पता है पैनक्रियाटिक जूस किस पे, माइल्ड डाइजेशन कराता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि एंजाइम ही एक है जो, और ये एंजाइम कौन सा है, अमाइलोलिटिक एंजाइम, दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम इसको, ये है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को, जो स्टार्च पॉलीसेक्राइड है इसको बदल देता है डेक्सट्रिन एंड माल्टोज, माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू डेक्सट्रिन एंड माल्टोज, ठीक है। इतना है, और फर्दर इसका माल्टोज इंटेस्टाइनल जो उसमें मिलता है माल्टेज तो बदल देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। इतना आज का कहानी है, पैनक्रियाज में हम लोग एंजाइम्स कर लिए हैं, इसका एनाटॉमिकल जान लिए हैं कि एक क्रीमी पिंक ग्लैंड होता है, 50 से 60 ग्राम होता है, 50 से 70 ग्राम होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, मिक्स्ड ग्लैंड है क्योंकि एक्सोक्राइन कंटेन किए रहता है और इंडोक्राइन पार्ट भी कम कंटेन किए रहता है। इसका एक्सोक्रिनिक फंक्शन होगा, एंडोक्राइन फंक्शन होगा, एक्सोक्राइन फंक्शन क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव फंक्शन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करके, और एंडोक्राइन पार्ट क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन इंसुलिन ग्लूकागॉन करके रिलीज कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, और आपको इस लेक्चर में है मेन एंजाइम्स, आप एक बार जब एग्जाम हो इसके पहले आप इसको रिवीजन करके जाएं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो इस लेक्चर से आपको, या कोई भी क्यूरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। थैंक यू।